हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब आप मकान बनाते हैं तो आपको मकान मजबूत कैसे बनेगा। मैं मजबूत बनाने का तरीका, वैसे मकान तो सब बनाते हैं लेकिन पैसा भी उतना ही खर्च होता है, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें ध्यान देंगे तो उसमें मकान में जो मजबूती है वो डबल हो जाएगा। तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि आपका मकान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए कॉलम खड़ा है, या देखिए ये कॉलम खड़ा है। और जैसे बहुत से क्या करते हैं कि पहले कॉलम खड़ा कर देते हैं, उसके बाद इसमें रोड़ी का मसाला भर देते हैं, तो ये साइड से क्या हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, चिकना, ऐसा लगता है जैसे प्लास्टर किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, जब हम उसके बाद दीवार लगाते हैं तो इस कॉलम से और इस दीवार से कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो क्या होता है, जब बाद में जब आप पर रहने लगते हैं, प्लस्तर वस्तर करके, पेंट वेंट करके जब उस घर में रहने लगते हैं, तो इस बगल से आपका क्या होगा, दरार आ जाएगी। ये देखिए, इधर से भी और इधर से भी, लेकिन वो दरार आपको कभी नहीं आएगा। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको ये इस तरह, जैसे आप कॉलम खड़ा कर दिए, उसके बाद आपको ये दीवार लगाना है। पहले कॉलम खड़ा करना है, बाद में दीवार लगाना है दोनों साइड। यह देखिए, और उसके बाद करना क्या है, आपको हर 2 फुट के ऊपर, जैसे कि 7 लाइन 8 लाइन के बाद जो है इस दीवार से और इस दीवार पे सरिया डालना है। जैसे देखिए, ये कॉलम चल रहा है तो ये रिंग है, लेकिन ये सरिया है। ये सरिया क्या है, दीवार से डला हुआ। ये देखिए, यहाँ से डला हुआ सरिया, और यहाँ इस कॉलम के बीच से निकला है। देखिए, कॉलम के बीच से जाकर फिर इधर वाले दीवार में 1 फुट तक गया हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको कॉलम की भी ताकत दुगनी हो जाएगी और दीवार की भी। इतना आप भी समझ सकते हैं कि जब कॉलम के बीच से सरिया जा रहा है और दोनों साइड दीवार में 1-1 फुट अटैच किया हुआ है, तो 100% है कि इसकी जो ताकत है वो डबल हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको इसी के लिए आपको सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि मकान एक ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी में एक बार ही लगभग बनता है, बार बार मकान नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि इस महंगाई के दौर में मकान बनाना कितना असंभव काम है वो मुझे पता है। यह देखिए, फिर ऊपर भी सरिया दिया हुआ, मतलब हर 2 फुट के बाद आपको दीवार के साथ और कॉलम के बीच से निकाल करके सरिया दोनों दीवार में अटैच करना है। इससे आपका मकान मजबूत हो जाएगा। तो इस हर आदमी यही चाहता है कि मेरा मकान मजबूत हो, जो कि ज़िंदगी में एक ही बार बने और वो मेरी ज़िंदगी तक कम से कम कायम रहे। तो ऐसा करने के लिए आपको ये सब बातें पे ध्यान देना पड़ेगा, जब ही आपका मकान पूरा मजबूत बन जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका ये जो मैंने आपको पहले बताया कि जो बगल से दरार आ जाती है, वो दरार कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि जब इसमें हम बाद में रोड़ी का मसाला भरते हैं तो इसमें क्या होता है, अटैच हो जाता है। ये देखिए, ये सब झिर्री में, इसमें, और फिर ये जो सरिया है इसमें, ये सारा इतनी अच्छी तरह से पकड़ बना लेता है कि कभी यहाँ दरार होने का मौका ही उसे नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।